हेलो फ्रेंड, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके कहा कि मैम एग्ज़ाम कब होंगे, आप एग्ज़ाम का बताइए। तो देखिए, यूजीसी ने जो अनाउंसमेंट कर दिया है 9 मई को ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एग्ज़ाम होंगे, और कॉलेज वाले भी देखा जाए तो कॉलेज वाले भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यहाँ तक कि वो लोग MCQ क्वेश्चन बैंक वगैरह हर एक कॉलेज में जो रेगुलर एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका तैयारी करके रखे हैं। कॉलेज वाले भी लेक्चर ले रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर वो ऑलरेडी ले रहे हैं। तो रेगुलर बैच हो चाहे वो आइडल बैच हो, एग्ज़ाम तो भाई पक्का होने वाले हैं, बिकॉज UGC ने कहा है। लेकिन उदय सावंत ने भी कहा है, उनसे रिक्वेस्ट की है, विनती की है कि भाई आप एग्ज़ाम मत रखिए, बच्चों का ध्यान दीजिए थोड़ा। तो अभी उसका मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मे भी हो सकता है कि UGC पलट जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, बिकॉज कि सब लोगों ने तैयारी कर ली है और लॉकडाउन भी ख़त्म ही होने वाला है, तो चांसेस है एग्ज़ाम होने के। और तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट सभी को मेरा यही सजेशन है कि प्लीज़ प्रिपरेशन करते रहिए। पेपर बहुत ही ईजी होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट होने के चांसेस हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ना अपना प्रिपरेशन करते रहिए, ओके। और प्रिपरेशन करते रहिए, बाकी की जो भी न्यूज़ होगी तो मैं आपको बताती रहूँगी जैसे भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। मेजॉरिटी अभी फ़िलहाल मुझे यही इंफॉर्मेशन मिली है कि हर एक कॉलेज वाले, चाहे वो अगर आप MCOM के बच्चे हो तो Semester 4 दे रहे हो तो आपको आपका प्रोजेक्ट भी सबमिट करना ही होगा, इवन ब्लैक बुक भी बनानी होगी, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है और सारी चीज़ें पहले जैसे ही होने वाली हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। जो लोग गांव गए हैं, सपोज़ कि अभी ऐसे एग्ज़ाम के टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उनका री एग्ज़ाम वापस से होगा और पहले जैसा होता था वैसे ही होने वाला है। जैसे पहले आप एग्ज़ाम देते थे तो कोई अच्छा रैंक लाया, किसी को ATKT लग गई, तो जिसको ATKT लगी थी वो बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे, उनका भी ये जुलाई मंथ से ही एग्ज़ाम चालू होने वाला है, जो ATKT के बच्चे हैं जिनको ATKT लगी हुई है। और बाय चांस कि इस एग्ज़ाम में अगर जो बच्चे फेल होते हैं जिनको ATKT लग जाती है, तो उनको बाद में भी एग्ज़ाम दिया जाए, देने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब, हाँ चांसेस है कि 50% उनको पास करने के चांसेस हैं, और पेपर भी बहुत ईजी आएगा, और प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट ज़रूर होंगे। यही मैं बोलूँगी कि आप मेरे जितने भी चैनल में, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो प्लीज़ आप मेरे देख सकते हैं वीडियोस, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के हो, प्रीवियस ईयर के ही पेपर रिपीट होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं अपना व्यू दे रही हूँ आप लोग को, एक सजेशन दे रही हूँ कि प्रिपरेशन करते रहिए, ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम तो होंगे। और जो भी बच्चे, ये तो बात रही यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, और जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, स्कूल की बात की जाए तो उनका तो सितंबर में चालू हो जाएगा, ओके। तो जो छोटे बच्चों का है तो सितंबर में उनका चालू होने वाला है, तो इसलिए सारी चीज़ें पहले जैसी होने वाली हैं। तो आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम तो कंफर्म है होंगे, प्रिपरेशन करते रहिए प्रिपरेशन, ओके। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, हर एक पल की खबर मैं आपको देती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, बेल आइकन क्लिक करने के लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। हमारे इस फुल एजुकेशन सपोर्ट फैमिली में ज्वाइंट होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने ईमेल आईडी अपना प्रोवाइड किया है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं आपको ईमेल आईडी दे दूँगी। वहाँ पर आपको जो जिस टॉपिक, सपोज़ कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं वहाँ पे मैं आपको ईमेल आईडी दे दूँगी, आप मुझे वो PDF, बिकॉज मेरे पास सारी बुक तो अवेलेबल होती नहीं है, तो आप मुझे PDF भेज सकते हैं और मैं उसका वीडियो आपको बना के दे दूँगी। मैं अपना बेस्ट दूँगी और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करके आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपके नज़र में कोई स्मॉल बच्चे हैं, या फिर जैसे कि 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो गए, 9th, 8th, 7th के बच्चे हो गए, अगर वो भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी यही सजेशन दूंगी कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं। सपोज़ कोई सब्जेक्ट है नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज़ कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, आई हैव क्लास ऑल्सो,
तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी। आप मुझे कमेंट करिए, मैं ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करूँगी। आप सिर्फ मुझे पीडीएफ भेज दीजिए कि आपको भाई ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। हम अपना ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने के लिए और आपको वीडियो बना के देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है वीडियो, हमारा फुल एजुकेशन सपोर्ट में। यहाँ पे कोई भी पैसे का इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं और हम आपसे आपका सपोर्ट चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि अब मेरे अपने देश के लिए अगर मुझे बहुत प्यार है तो मैं इस तरीके से अपना प्यार जाहिर कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको भी अगर अपने देश से प्यार है तो शेयर करके वीडियो को और दूसरों को शेयर करिए, ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक, हर एक नीडेड स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।